नमस्कार, हम हैराना रहुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स पर आज रघुनाथपुर के धरती पर बनी, आज हम सिवान जिला के दक्षिणांचल में बसल रघुनाथपुर के धरती और ई हटे शहीद मैदान। शहीद मैदान हमनी के लड़का रह जानू तब से अपना रोचक आयोजन खातिर जानल जाला। शहीद मैदान में इतना ज़बरदस्त क्रिकेट के महासंग्राम होला, इतना ज़बरदस्त महाकुंभ होला कि लोग मतलब जब यहाँ आवेला नू तो आनंदित हो उठेला। हमरा याद बा कि हमनी के जब छोटी छोटी रही जा, जब राजपुर मिडिल स्कूल हाई स्कूल में पढ़त रही जा, उबरा एजा मैच होके तो हमनी के आके या जौन हॉस्पिटल के बाउंड्री पर बैठ के आ दिन भर मूँगफली खा खा के कबू कबू घर से पैसा ना मिले तो यूँ आके मैच देखी जा। मैच होखत आज 25 बरिस से ज़्यादा हो गई और ए बार पुनः तैयारी शुरू बाटे। शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान के द्वारा तैयारी करावल जा रहा बा। चूँकि ग्राउंड के यथास्थिति रहुआ के बता दी कि ग्राउंड में पिछला 4 महीना से पानी लगा रहा, एमें जांग भरले पानी रहा। अब वो पानी पहले तो पानी बोरिंग से निकालल गई है, उकरा बाद ऐसे घास छिला था। हम शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान के संस्थापक अविनाश भाई से जाने के चाहब कि कितना अभी तक मुश्किल से फील्ड के बनावल जा रहा बा। अविनाश भाई, कितना समय लाग गई अभी तक? सबसे पहले सब केहू के धन्यवाद, देखे वाला के भी और सुने वाला के भी। यहाँ अभी तक हमने के कंटिन्यू ये साल थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हो गई बा, घास बहुत ज़्यादा हो गया, पानी करीब 3-3.5 फीट रहा, लेकिन धीरे धीरे डाउन हो गया अपनों से पानी, लेकिन 2 फीट पानी बच रहा। तो हमने के मशीन लगा के लगातार सब युवा शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान के सारा युवा मिल के लगातार इनमें काम कर हैं, पानी निकासी के काम रात दिन चलल है। तब पानी तो निकल गया अभी पाँक बा, पाँक के बाद अई लेबर ला के लोग घास नोचे वाला जलकुम्भी होता, बहुत सारा चीज़ में गजन बा। राजस्तरीय क्रिकेट खिलावे खातिर सबसे बड़का ग्राउंड चाहिए, और ग्राउंड तो बा, लेकिन जन पाँक के ग्राउंड बनावे खातिर जन हमनी के अभियान चलता बहुत कष्ट होता, ये बड़ी बहुत ज़्यादा कष्ट होता। ना शासन प्रशासन केहू से कोई मतलब नहीं के, लोग केहू के ध्यान नहीं के, ना पानी निकासी से लेके ना कोनो, लेकिन संस्थान के और लोग के सहयोग से हमनी के सारा काम लगातार करतनी सब। हमनी के प्रयास बा कि 25 दिसंबर के जन हमनी के ओपनिंग होला, उद्घाटन होला, ओकर उद्घाटन 25 दिसंबर के कर ही देवे के बाद, लेकिन अब ईश्वर के जौन मर्जी प्रयास जारी बा हमनी के। जी बिल्कुल, ईश्वर के जौन मर्जी। तो अभी पानी निकल गई, घास छिला गई है, जा देखा कि पिच भी बन रहा बा, पर पानी शायद डलाइल बा, माटी कहीं अलग से आवेला नू बनावे खातिर। जी पानी सॉरी माटी जो एक जुताई हो जाला पिच के, आ माटी काली मिट्टी चाहिए जौना में दूब के रेसा भी होके, उ मिट्टी के में जरूरत पड़ेला, ओकरा में खाद उद भी डालल जाला, ओकरा के फिर लेवलिंग करके आ तब में पानी छोड़ जाला, ओकरा बाद धीरे धीरे ओकरा जब तक कठुआत जाई ओकरा के दुर्मिस करत करत गाड़ी उड़ी चलावल जाए धीरे धीरे करके, ओकरा बाद लास्ट में रोलिंग होई तब फाइनल होई पिच। तो अभी तो समस्या बहुत आवता, लेकिन देखी प्रयास जारी बा, प्रयास रही हमनी के कि 25 तारीख के ओपनिंग कर ही दे सा। जी 25 तारीख के ओपनिंग राउर होला, एक दो साल शायद कोनो वजह से इन्हें उन्हें समय भइल बा, एगो बड़ी टारगेट बा, लागता कि टारगेट पूरा हो जाए, चाहे कि हम देखता नहीं तो हाल ढेर बा। जी हाल ढेर बा, पाँक बा ढेर, और इन्हें तो जहाँ खड़ा मरीज तो कुछ सुखलो बा, लेकिन आउटफील्डों में बहुत ज़्यादा दिक्कत बा, लेकिन प्रयास बा हमनी के प्रयास लागता कि सफल हो जाए, 25 तारीख के उद्घाटन हो सकता, संभावना बनता, ऐसा धूप निकली तो लागत कि एकदम हो ही जाए। जी कहाँ कहाँ के टीम बुलाओ तनी अबरी? विशेष हमने के टीम बा, कुछ टीम के चेंजिंग भइल बा, जे आईपीएल में कुछ लोग बैठल बा खेलल बा उ लोग के भी आवे के संभावना बा, उत्तर प्रदेश की ओर से, बिहार की ओर से भी बहुत सारा अच्छा अच्छा टीम के खिलाड़ी लोग आवता। बिहार टीम में जे खेलेला रणजी से लेके और भी आगे मैच उ लोग भी संपर्क में बा, टीम के अभी मतलब कि खाली रूपरेखा तैयार बा, लेकिन फाइनल अभी धीरे धीरे हमने के 2-3 दिन में कॉलम सा फाइनल हो, ऐसे नहीं सकत कि डेटो तो बतावे के पड़े कि तारीख के और मैच बा। अब यहू के ग्राउंडो के लेकर थोड़ा सा डेटवा में संशय बा हमने के, ऐसे अभी डेटवा क्लियर नहीं के हो तो टीमों क्लियर नहीं के हो। जी लेकिन बढ़िया बढ़िया टीम आई, और 2 जनवरी के हमने के महिला एक दिवसीय एक महिला मैच होला जौन उत्तर प्रदेश और बिहार के टीम के लड़की लोग रहेला, ओकरो मतलब कि संपर्क में बा, लेकिन वो लोग डेट अभी क्लियर नहीं कहे कि हेकर ग्राउंड की स्थिति देख हमने के हालत खराब बा, लेकिन प्रयास जारी बराना भाई एकदम कंटिन्यू, सारा संस्थान के बच्चा लोग मेहनत करता, जे अपना खेत में काम ना करला, अपना घरे काम ना करला, उ लोग मतलब नरकीय स्थिति रहला, अगल बगल देखते रहनी है, ओमे ठेवना भर पानी में घुस घुस के उ लोग साफ सफाई में लागल बा। जी तो अपना जे भी राउर चाहे वाला बा, खास करके शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान के जौन मैच होला ओकरा के देखे वाला जौन प्रशंसक बने ओकरा से का कहब? बोले से हाथ जोड़ के
निहोरा करें, आग्रह करें कि जब उद्घाटन के डेट हमनी के क्लियर होई, निश्चित होई, तो वहाँ लोग सब लोग आओ, पूरा भरपूर जगह प्यार दिले बा, कई वर्ष से 15-20 वर्ष से दिले बा, वहीं के बनाव रखो ताकि लड़का लोग का हमनी के मनोबल बढ़ी। और हमनी के जो मेहनत बते ये बेरी विशेष आग्रह करें कि बहुत ज़्यादा मेहनत लागत आई पानी सुखाए में, सबसे बड़का चुनौती है पाँख सुखावे के। तो ये सब मेहनत कैले के बाद अगर दर्शक पूरा आवेल सब लोग के प्यार मिले तो उत्साह बढ़ेला, हौसला बढ़ेला। तो सब लोग से निवेदन रही कि वो लोग आई आ देखो, शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान के जो मतलब मेंबर लोग बाबू लोग मनोबल बढ़ाई, आ भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के जो प्रतिमा लागर रही ऊपर श्रद्धांजलि दी, और शहीद के सम्मान में हमने के कार्यक्रम करबे करनी सर। आ सब लोग देखे कि बहुत जगह मैच होला राणा भाई, बहुत ग्राउंड में होला, लेकिन एक तरह के उत्साह हमने के खुद बढ़ाई ना करें हमने के उत्साह कम देखे के मिलेला। यहाँ शहीद के सम्मान में जब हमने के मैच होला तो हर व्यक्ति हर युवा एकदम एकदम उत्साह में होला। एक चुना के लकीर हमने खींच देनी से हजारों हजारों के भीड़ होला, फिर भी चुना के लकीर के लोग बड़ा के पीछे बैठेला, गंदगी भी ना करला, कागज कुछ भी ना फेंकला, ताकि वो लोग ये लगेला कि शहीद के मैच होता, शहीद के नाम पर होता। तो बड़ा अच्छा लगेला हमने क्या, उत्साह भी बढ़ेला आ शहीद के प्रति हमने के भी जज्बा बा, आ जे देखेला ओकरो बा, जे सुनेला ओकरो बा। और ये निहोरा रही कि लोग जरूर आई आ जरूर देखी हमने के शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान के जितना भी बच्चा मेहनत करता, लड़का दोस्त मित्र मेहनत करता, लोग का हौसला आके जरूर वहाँ सभी बढ़ाओ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रुआ के। तो ये ग्राउंड रहुआ देखनी, देखिए ग्राउंड जौन बाटे वो तैयार हो रहा बा, हम आगे ढेर ना जाम पाकी बाटे ग्राउंड तैयार हो रहा बा। उहे ग्राउंड है जौन की रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल के बगल में बा, सामने जौन बिल्डिंग दिखती है नु ये रघुनाथपुर के रेफरल अस्पताल ही हो जौन की बाढ़ में डूबल रहे। उहे बिहार है जहाँ के सरकार दावा करे ले कि सुशासन के सरकार है, यहाँ पर खेल पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर इतना ध्यान देवल जाला। बगल के हॉस्पिटल 3 महीना डूबल रहा और ये ग्राउंड हटे जहाँ पर एजा के लोग खेले ला, यहाँ के लड़का नौजवान खेले ले, तो उ लोग के ग्राउंड भी 4 महीना डूबल रहा। साफ करावे खातिर प्रशासन के कोनो मतलबे नहीं थे। अब अगर शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान के जा आयोजन ना करावे के रही तो शायद सालों भर में पानी लागल रही, जलकुंभी से ही घिरल रही। तो सरकार या प्रशासन के लोग जौन खाली हाला करेला कि हम हई कैले बनी हऊ कैले बनी, थोड़ा सा यहू पर ध्यान दे दी। चुनावी वादा रहा और चुनाव में बड़ी लोग डींग हाकत रहा कि हम जीतम नु तो स्टेडियम बनवाएं, स्टेडियम मत बनवाई रउआ गांव, रउआ मोहल्ला, रउआ एरिया में जौन छोट छोट ग्राउंड बाड़ी सनू ओकरे रख रखाव करवा दी तो कृपा मानल जाए। तो अगर वह शहीद भगत सिंह सामाजिक संस्थान के द्वारा खेलावल जाए वाला टूर्नामेंट के फैन हैं, पसंद करेनी, तो दिन नजदीका रहल बा और संभावना बा कि 25 तारीख से यानी 25 दिसंबर से मैच के शुरुआत हो जाए। मैच शुरू हुई तो आएब जरूर, देखब जरूर। फिलहाल अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट मैच बॉक्स के माध्यम से देखनी कैसा लागल कमेंट करके ज़रूर बताई, और मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं के लिए तो कर ली। अगर ये वीडियो के रहुआ फेसबुक के माध्यम से देखा तनी तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी। वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।